आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं फॉर्मूला। जी हाँ, एक्सेल की फॉर्मूला, और फॉर्मूले में हम बात कर रहे हैं रेफरेंस कैटेगरी के फॉर्मूले में। तो हमने डेट एंड टाइम का कैलकुलेशन लास्ट क्लास में किया था, उसको फिनिश कर दिया था। डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हैं और हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, रेफरेंस फॉर्मूले की तरफ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रो नंबर एंड कॉलम नंबर इन द नंबर में है, ठीक है सर, वन यहाँ और टू यहाँ, टू यहाँ। इसका एड्रेस क्या होगा, मतलब कि पहला नंबर रो एंड दूसरा नंबर कॉलम बी वन। ये एड्रेस जो है ये बताएगा आपको आपका एड्रेस फॉर्मूला। एड्रेस फॉर्मूला का काम एड्रेस बनाने का है। बी वन बना दिया, लेकिन एड्रेस बनाने से फायदा क्या, मुझे V1 लेके क्या करना है, हमें तो V1 की वैल्यू चाहिए ना सर। तो इस V1 को रेफरेंस जान के इसकी वैल्यू को देने के लिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। इनडायरेक्ट हमने इसको सिलेक्ट किया, तो इस V1 को V1 समझ के उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको शो कर देगा। क्लियर है? यस सर। तो हमने यहाँ पे सीखा एड्रेस का फॉर्मूला और हमने सीखा इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इसका यूज क्या है। तो उससे पहले इनडायरेक्ट को समझिए। जैसे कि आपने यहां पे इक्वल बी वन लिखा तो इसको रेफरेंस मान के इसका आपको रिकॉर्ड दिखा देगा, लेकिन मुझे यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में बी वन लिख दिया था क्या होगा सर, टेक्स्ट मान लेगा ना। तो उसी तरह से अगर मैंने B1 यहां पे टाइप कर दिया तो पूरी सिस्टम इसको क्या मान लेगी, टेक्स्ट। अगर इसकी रिजल्ट चाहिए तो मुझे एड्रेस का फॉर्मूला लेना होता है, एड्रेस सॉरी इसका इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट फॉर्मूला इसको एज ए रेफरेंस लेगा और B1 को B1 एज ए रेफरेंस समझेगा और यहां पे रिजल्ट आपको देगा। ओके सर, इसका बेनिफिट समझते हैं। तो बेनिफिट के लिए हम यहां पे लिखते हैं नेम, कुछ नेम देते हैं मान लीजिए, और यहां पे मैं जैन फाइव मार्च दिसंबर तक दे देता हूं। और फिर यहां पे मैं रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूं। अब मुझे क्या करना है, यहां पे नेम पूजा, और पूजा के मुझे क्वार्टर वन का टोटल चाहिए, क्वार्टर वन का टोटल चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि यहां पे सम और ए होगा मार्च, लेकिन अगर कल के डेट में क्वार्टर टू हो गया तो फिर आपको इजीली यहां से फिर इसको यहां से लेके यहां तक शिफ्ट करना पड़ेगा। पूजा की जगह पे मोहन हो गया, सो हम यहां पे ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं राइट का फॉर्मूला लगा के इसमें से टू नंबर को हटा निकाल दिया, देन चूज का फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पे। अब यहां पे नया फॉर्मूला सीख रहे हैं चूज का। चूज हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा, और हमने बोला कि अगर ये वन है तो जैन आए, टू है तो यहां पर आए अप्रैल। में हर क्वार्टर की फर्स्ट मंथ को ले रहा हूं, थ्री आए तो जुलाई, एंड फोर आए तो अक्टूबर। अब यहां पे मैं इफ भी लगा सकता था, बट यहां पे चार इफ लगाने पड़ते। चूज का फॉर्मूला क्या है कि सिक्वेंसली चलता है, ठीक है ना। अब
यहाँ वन हुआ तो पहला दिखाएगा, टू हुआ दूसरा दिखाएगा, थ्री हुआ तीसरा दिखाएगा, चार और चौथा दिखाएगा। तो अगर आपके पास अगर वन टू थ्री ऐसे सीक्वेंस में कोई इनपुट का आउटपुट देना है तो आप जो है इस चूज फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते। तो मुझे पूजा पूजा का रोल नंबर एंड अप्रैल का कॉलम नंबर चाहिए, राइट। तो हमारे पास एक मैच फॉर्मूला होता है जो कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है। हमने बोला कि पूजा को इसमें लुकअप करें, लुकअप करके यहां पे कॉमा जीरो कर दिया, एग्जैक्ट मैच। इसने क्या किया, यहां पे शो कर दिया इसका रो नंबर कि पूजा का रो नंबर क्या है। और अगेन मैं मैथ का फॉर्मूला लगाता हूं और अप्रैल को हम कॉलम वाइज लुकअप करते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चलता है मैच। तो वर्टिकल में रो नंबर देता है, हॉरिजॉन्टल में कॉलम नंबर देता है। फिर कॉलम नंबर आ गया, मतलब कि दूसरे रो एंड पांचवें नंबर कॉलम से डेटा स्टार्ट है। लेकिन ये नंबर से क्या फायदा होता है, क्योंकि हम जो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो सम के फॉर्मूले के लिए रेफरेंस चाहिए हमें। इस तरह क्या बोलना सर, यस इस तरह का चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ एड्रेस का फॉर्मूला लगाते हैं। एड्रेस रो नंबर ले लिया एंड कॉलम नंबर ले लिया, मिल गया सर। यस E2 स्टार है तो एंड भी चाहिए, तो अगेन एड्रेस लूंगा रो नंबर और इस बार कॉलम नंबर में प्लस टू कर देता हूं। G2 आ गया सर, यस सर, मैं आपको नहीं सर। एक बार आप सर एड्रेस का फॉर्मूला थोड़ा रिपीट करोगे आप एक बार फिर से? देखिए एड्रेस का फॉर्मूला में क्या होता है कि रो नंबर एंड कॉल नंबर दीजिएगा तो एड्रेस बना के देता है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया टू नंबर रो एंड फाइव नंबर कॉलम। अब यहाँ पे तो स्टार्टिंग हो गया ना सर, अप्रैल का आ गया ना E2। अब मुझे यहाँ G2 तो चाहिए। इसके लिए हमें पता है कि मतलब कि दो दो कॉलम बाय बाद होगा, मतलब 3 महीने का तो होता है क्वार्टर। फाइव में प्लस टू कर दिया तो यहाँ पे G2 आ गया, E2 से लेके G2। नाउ यस अब सर, मैं इसको कंबाइन कर दूंगा क्योंकि इस तरह का चाहिए, इस तरह के फॉर्मेट में चाहिए। तो क्या होगा, एक कंबाइन होके कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सम में डालने से ये रिजल्ट नहीं देगा, क्यों, हमने आपको समझाया था यार ना सर कि V1 अगर किसी सेल पे लिखा हो तो उसको रेफरेंस लेने के लिए इनडायरेक्ट का यूज करना होता है। यस तो यहां हम सम फॉर्मूला तो देंगे लेकिन सम में देंगे इनडायरेक्ट। आएगा सर 135। यस अब इसको थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं फॉर्मूले को, किया और यहां चूज में B14 के जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस मैच फॉर्मूले को उठा रहा हूं, इक्वल को कॉपी नहीं करेंगे और यहां आपका आता है B15, B15 पे मैच पेस्ट कर दिया। फिर अप्रैल वाला जो मैप है उसको नहीं, ये अप्रैल वाला जो है चूज इसको कॉपी करता हूं और इसका जो मैच है C14 उसमें पेस्ट करता हूं और ये आपको D14 को कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे कॉलम नंबर D14 है ना, इस पर पेस्ट कर देता हूँ एड्रेस और यहाँ भी हमारा D14 है, हमने पेस्ट कर दिया और अगेन B15 सॉरी इसको कॉपी किया और यहाँ पे B15 में पेस्ट कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जहाँ कंबाइन किया हुआ है C15 उस पर पेस्ट कर देता हूँ और फिर D15 को कॉपी करता हूँ एड्रेस फॉर्मूले को, फिर इसके अंदर D15 में इसको हम पेस्ट कर देते हैं। फिर वापस D15 को कॉपी करते हैं और यहाँ D15 को पेस्ट कर देते हैं, हो गया। ये सारे फॉर्मूले हम डिलीट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कट करके यहां पे रख दीजिए, हो गया सर।
वह यहाँ पे क्वार्टर थ्री करो तो क्वार्टर थ्री का, क्वार्टर फोर करो तो क्वार्टर फोर का, पूजा की जगह पे रवि करो तो आपका रवि का, समझे? अगर सर इसमें जैसे पूजा है, अगर वो पूजा रिपीट हो रहा हो तो मैच फॉर्मूला वर्क करेगा तो पहला दिखाएगा, सिर्फ पहले वाले को दिखा देगा, और वो नहीं दिखाएगा पूजा कहाँ पे तो है। उसके लिए हमें सामीप का इस्तेमाल करना होगा, ओके ठीक है? सर। तो ये समझ में आ गया आपको? तो अभी आप इसमें जो सीखा, आपने सीखा एड्रेस का फॉर्मूला, आपने सीखा मैच का फॉर्मूला, आपने सीखा इनडायरेक्ट का फॉर्मूला एंड चूज का फॉर्मूला, क्लियर है? अब चलिए चूज, छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि रो, रो फॉर्मूला जिस रो में लगाते हैं उस रो का नंबर देता है। जैसे मैं यहां लगाऊं ना सर, यस या फिर रो फॉर्मूले के अंदर में जिस सेल का रेफरेंस देंगे उस सेल का रो आएगा। तब इसका यूज हम लोग करते हैं एक सीक्वेंस नंबर के लिए कभी कभी, जैसे कि हमने वन एंड टू लिख दिया और नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर दूं तो सीक्वेंस बिगड़ जाता है ना सर, मैं चाहता हूँ डिलीट करने पर सीक्वेंस ना बिगड़े, तो मैं रो का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ बीच में से तीन चार कॉलम रो डिलीट कर देता हूं, तो देखिए सीक्वेंस मेंटेन रहता है, नीचे से कम हो जाता है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि मुझे सीरियल नंबर यहां से देना है, अगर मैं यहां पे रो नंबर रो दे दूं, सॉरी रो दे दूं तो 7 आता है, बट यहां तो 1 चाहिए ना सर, -6 कीजिए और फिर नीचे की तरफ ड्रैग। उसी तरह से हमारे पास कॉलम का फॉर्मूला होता है, कॉलम जिसमें लगाते हैं उसका कॉलम नंबर देता है, और जिसके जिसमें हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो उसका कॉलम नंबर देता है। ओके डाउट इसमें सर? नो सर। अब बात आती है ट्रांसपोज फॉर्मूले की। जैसे कि इसी की बात करें, ये जो हमारा है ये वर्टिकल है ना, मुझे इसको हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज कर देंगे, बट ये लिंक नहीं हुआ ना सर, तो ये आप चाहते हैं कि लिंक हो, ट्रांसपोज भी हो और लिंक हो, तो ट्रांसपोज फॉर्मूला लीजिए, सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कर, तो ये लिंक हो गया। अब मैं यहाँ पे 28 को 82 कर दूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है? यस डाउट इसमें? नो सर। लेकिन सर ये मोस्टली कहाँ पे कैसे कहाँ पे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, ट्रांसपोज को? सर कभी कभी क्या होता है, जब चार्ट्स वगैरह डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो वहां पे उस चार्ट की डिमांड वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल होती है, तो वहां चेंज करते हैं सर, समझे? या कभी क्या होता है कि एक ही डेटा को दो फॉर्मेट में दिखाना होता है, डैशबोर्ड दो फॉर्मेट होती है, एक ही डेटा को दो फॉर्मेट में, अब एक में क्या होता है कि इस तरह का फॉर्मेट होता है, दूसरे में इस तरह का फॉर्मेट होता है, तो दो अलग यूज करने के बजाय इसी को आप ट्रांसपोज में लिंक कर दें, ताकि आप एक को अपडेट करें दूसरा अपने आप अपडेट हो, दोनों को अपडेट करने का झंझट ना हो, ओके क्या? सर। चलिए समझ में आया आपको? यस तो रेफरेंसेस फॉर्मूले में हम बात करें तो इतना ही था, बाकी आता है लुकअप का फॉर्मूला। इसे कुछ और फॉर्मूले छोटे मोटे हैं, जैसे कि फील्ड वैल्यू एंड फॉर्मूला टेक्स्ट, इसमें फॉर्मूला टेक्स्ट कई आएगा, नहीं फॉर्मूला टेक्स्ट नहीं है, नहीं है फॉर्म, हाँ है फॉर्मूला टेक्स्ट, दो फॉर्मूला है, तो एक आता है आपका, जैसे मान लीजिए कि ये है, तो एक अगर हम मान लीजिए कि फील्ड वैल्यू करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फील्ड
फिल वैल्यू कोई और फॉर्मूला है सर, नया फॉर्मूला है, मैंने कोई यूज़ किया नहीं है सर, तो मुझे माफ़ी चाहिएगा, मैं एक बार देख लूँगा फिर बताऊँगा सर। हाँ, फॉर्मूला टैक्स पता है। फॉर्मूला टैक्स क्या करता है कि आपको जो फॉर्मूला लिखा है ना उसको टैक्स में कर देगा। अभी थोड़ा देर पहले हमने उसको सिंगल कोड लगाया था ना, यस yes. फील्ड वैल्यू को मैं देख लेता हूँ, बाकी जो फॉर्मूले हैं वो बाकी फॉर्मूले लुकअप के फॉर्मूले हैं, तो हम आपको आगे एक में बताएंगे, जब वी लुकअप पहले पढ़ेंगे उसके बाद। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ये जो एग्जांपल मैंने बताया एक कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे समझ में आने वाली बातें नहीं है। ओके सर, ठीक है, ओके। और एक फॉर्मूला था सर, इन्फो, एक बार आप बताओ कि इन्फो क्या यूज करते हैं, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था। इन्फो फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका सिस्टम का इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि आप बताते हैं कि सिस्टम का रिलीज क्या है, एक है सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो बता देगा कि पीसी डॉस है या मैक है या लिनक्स है। okay. से आप रिलीज चाहते हैं कि इसका वर्जन क्या है, एक्सेल का वर्जन क्या है, 6.10 वर्जन है इसका एक्सेल, एमएस ऑफिस 6.0। इस फॉर्मूले में प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगली क्लास में बात करें।